दोस्तों साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर सैफ अली खान और जानवी कपूर की मच अवेटेड फिल्म देवरा इन दिनों काफी चर्चा में है और फैंस इस फिल्म का रिलीज के काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म को लेकर आए दिन कुछ नए नए अपडेट आते रहते हैं जो फैंस को चौंका देते हैं। इसी बीच इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है जो फैंस काफी चौंक गए। आपको बता दें ये फिल्म की रिलीज 3 बार बदल दी गई है, यानी कि ये पहले फिल्म 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली थी। इसके बाद देवरा के विलन सैफ अली खान को चोट लग गई थी, इसके बाद से इस फिल्म का शेड्यूल को चेंज किया गया और नतीजा यह हो कि फिल्म को 10 अक्टूबर को रिलीज करने का ऐलान किया गया, मगर अभी 10 अक्टूबर को भी रिलीज नहीं होगी क्योंकि इसको लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मेकर्स ने इस फिल्म को 10 अक्टूबर की जगह 27 सितंबर को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है, आपको बता दें कि 27 सितंबर को पवन कल्याण की ओजी को रिलीज किया जाना था, मगर अब इस फिल्म की पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये फिल्म अगले साल रिलीज हो जाएगी। ऐसे में देवरा के मेकर्स ने ओजी के पोस्टपोन होने के बाद उस डेट पर नजर गड़ाए हैं, उसी दिन देवरा पार्ट 1 रिलीज करने की सोच रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आएगी, लेकिन मेकर्स के द्वारा या फिर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म इसी दिन रिलीज होने की मेकर्स सोच रहे हैं, तो ये इसकी आधिकारिक जानकारी बहुत जल्द आ जाएगी। वही दोस्तों आपको बता दें कि एस एस राजामौली की फिल्म त्रिपुरा के बाद से जूनियर एनटीआर का जो स्टारडम है वो सातवें आसमान पर है। उनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई है और फैंस को काफ़ी ज़्यादा चाहने लगे हैं। उनकी इस फिल्म का फैंस इतना इंतजार कर रहे हैं जो लेकर फैंस और ज़्यादा एक्साइटेड है। फिल्म में दमदार एक्शन देखने को मिलेगा, थिएटर के बाद ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी आएगी, जिसको लेकर फैंस और ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों